हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9B को। एक्सरसाइज 9B में कुछ क्वेश्चंस आपके पहले भी लग चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 9B का एक क्वेश्चन आपका रह गया था, कमेंट में आपके पास आया था। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास एक रह गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को जरा हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक लगाया था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है, देखिए y इज इक्वल टू दिया गया, इसका थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर होना चाहिए xy इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्शन कर लीजिएगा, xy इज इक्वल टू ए ई की पावर x और प्लस बी ई की पावर माइनस x एंड प्लस x स्क्वायर सच दैट x d2y upon dx2 प्लस 2dy/dx प्लस 2dy/dx माइनस xy प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बुक में, उसमें आप x बना लीजिएगा, नहीं तो ये अवकल समीकरण नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, आप इसको x बना लें। तो चलिए हम इक्वेशंस को लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर इस अवकल समीकरण का हल है तो इसका अवकलन करने पर ये हमें मिलना चाहिए, और दो बार इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए एक बार हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए लेफ्ट साइड में जब हम अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो चलिए फर्स्ट सेकेंड लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकल गुणांक, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। a कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। b कांस्टेंट है, e की पावर x का माइनस e की पावर x, माइनस x का फिर से करेंगे माइनस 1 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x और प्लस का 2x। पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए जब हम फिर से अवकलन यहां पर करेंगे तो यहां फर्स्ट सेकंड लग रहा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक, तो dy/dx का अवकलन d2y/dx2 प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो यक्ष का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर y का अवकलन करेंगे dy/dx, a कांस्टेंट है, a की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस b कांस्टेंट है, a की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, माइनस x करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है और x का अवकल गुणांक आएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x d2y/dx2 dy/dx मिलके हो गया 2dy/dx, ये हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर x माइनस एक्स प्लस 2। और देखिए यहाँ पर हमारे जो पास वैल्यू दी गई है, इसका मान हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x d2y/dx2 प्लस 2dy/dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जब हम समीकरण 1 से निकालेंगे तो ये आएगा xy माइनस का x स्क्वायर और प्लस 2 हमारे पास पहले से है, तो ये हमने समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर रख लिया। इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं, हो जाएगा x d2y/dx2 प्लस 2dy/dx माइनस का xy प्लस का x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि एक अवकल समीकरण है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो वक्र था उससे आपका एक अवकल समीकरण मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, इसको आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कह रहा है, दिखाइए कि x d2y/dx2 दिखाइए कि x
डी टू वाई अपान डी एक्स टू, सॉरी एक्स ब्रैकेट में क्या है वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स का हल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का हल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। ये जो है इस समीकरण का क्या है हल है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए यहाँ से हम वक्र को लेंगे, अगर आपका अवकल समीकरण ये मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस अवकल समीकरण इस वक्र का क्या हो जाएगा, एक हल होगा। तो देखिए डी टू वाई पॉइंट एक्स टू यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब दो बार अवकलन करना है। तो एक बार आप अवकलन करेंगे यक्ष के सापेक्ष, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का टू वाई हो जाएगा, वाई का फिर से करेंगे डी वाई पर डी एक्स हो जाएगा, और वन का अवकलन हो जाएगा जीरो। टू को कांस्टेंट है, आप लेफ्ट राइट हैंड भेज दीजिए तो हो जाएगा बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। पुनः आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप फिर से x के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास a कांस्टेंट है, x का वन हो जाएगा, b कांस्टेंट है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, और जीरो का हमारे पास जीरो हो जाएगा। a को आप पक्षांतर कर दीजिए तो ये जाएगा बी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a। दोनों पक्षों में यक्स का गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए यक्स का गुणा करा दिया, यहाँ पर भी हम यक्स का गुणा करा देंगे, वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने यक्स का गुणा करा दिया, ये हो गया माइनस का ए एक्स। अभी देख सकते हैं यहाँ से हम ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर एक से, तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, इसको आप पक्षांतर करिए और माइनस ए एक्स का यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे रखा हमने समीकरण एक से, यहाँ से अगर इसको पक्षांतर करें तो माइनस ए एक्स का मान ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी से भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो कि एक अवकल समीकरण है, जो कि एक अवकल समीकरण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो समीकरण है वो क्या है, इसका एक हल होगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहा है दिखाइए कि एक्स वाई इज इक्वल टू लाग वाई प्लस सी का हल, दिखाइए कि एक्स वाई इज इक्वल टू लाग वाई प्लस सी का हल, हल क्या है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, जहां पर एक्स इंटू वाई क्या है डज नॉट इक्वल टू वन, एक्स इंटू वाई डज नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है। तो चलिए ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से है,
तो यहाँ पर आप वक्र के समीकरण को लेंगे और यहाँ पर देखिए हमें एक बार अवकलन करना है, ठीक है। तो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, लॉग वाई का अवकलन करेंगे 1/y और वाई का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और सी का हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर पक्षांतर करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो, या फिर इस वैल्यू को उधर ले जाएँ तो 1/y माइनस का एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आपके पास बचा है वाई। एलसीएम लेंगे 1 - xy/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 - y जो कि एक अवकल समीकरण है। इस तरीके से आपका ये इसका ये सोल्यूशन हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है y इज इक्वल टू, इसको आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x। सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x, बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x अवकल समीकरण डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, अवकल समीकरण डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का एक हल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का हल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो बार डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू हमें डाली है, तो ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 21 नंबर पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2x² - 1 2 × x² - 1 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण dy/dx + 2xy इज इक्वल टू 4x³ का एक हल है, ये हमारे पास क्वेश्चंस है। और चलिए इसका हम लोग देखते हैं, तो देखिए आप इस तरह को किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखा y इज इक्वल टू 2x² - 1 और प्लस सी ई की पावर -x² dy/dx, इसका मतलब एक बार अवकलन करना है इसे हमें। तो चलिए y का अवकलन करेंगे dy/dx, 2 कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा e की पावर -x² और -x² का करेंगे तो फिर से हो जाएगा माइनस का 2, तो वैल्यू आएगी 4x माइनस का 2x इंटू c e की पावर -x² और यहाँ से आप समीकरण नंबर फर्स्ट को यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4x माइनस का 2x और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में y माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस का 2x² - 1
ये हम समीकरण नंबर फर्स्ट से यहाँ पर पुट कर दिया हमने इसको। अभी आप इसका गुणा करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2xy, इसका इसका गुणा कराएंगे प्लस का 4x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, 4x का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x माइनस का 2xy प्लस का 4x³ माइनस का 4x, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तो dy/dx और ये हो जाएगा प्लस का 2xy इज इक्वल टू 4x³। तो ये हमारे पास इस अवकल समीकरण का अभीष्ट हल हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।